लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इन 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान ढेर किया है। जवानों ने नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बीजापुर में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 6 नक्सली मारे गए। इनमें एक महिला नक्सली भी है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने कहा कि ये मुठभेड़ बासागुड़ा पुलिस थाना इलाके के चिकुर भट्टी और पुष्पका गांव के जंगल में हुई है। IG के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी। उसी दौरान दोनों के बीच आमना सामना हुआ। इस टीम में जिला रिजर्व गार्ड यानी DRG, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और इसकी विशिष्ट इकाई कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन के जवान भी शामिल थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक गोलीबारी रुकने के बाद घटनास्थल से एक महिला समेत 6 नक्सलियों के शव मिले हैं। इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं। दिनांक 27 मार्च को जिला बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरपुट्टी इलाके में माओवादियों का उपस्थिति के सूचना पर हमारा DRG टीम CRPF एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स वगैरह भी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथीजन सुरक्षित है और आसपास इलाके में और री एनफोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। अभी डेड बॉडीज की शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। संभवतः उसमें एरिया कमेटी और माओवादियों का PLG प्लेटून नंबर 10 का कुछ कैडर्स होने का संभावना है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन तब बॉडी का आइडेंटिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर बताना संभव होगा। प्रतिवर्ष गर्मी के समय प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPU माओवादी संगठन द्वारा TCOC अभियान के नाम पर इलाका में कुछ हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भय का वातावरण निर्मित करने की उनका कोशिश रहता है। इसे देखते हुए हमारा भी एक काउंटर एक्शन प्लान के तहत DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, CRPF, कोबरा और अन्य जितना भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं के लेकर हम लगातार इलाके में एरिया डोमिनेशन और अन्य प्रकार का ऑपरेशन संचालित करते हैं। विगत 3-4 वर्षों में देखा जाए तो TCOC के दौरान मोदी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाए हैं। उसी हिसाब से आने वाले समय में भी हमारा पूरा सावधानी रहेगा। साथ साथ एक काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन प्लान के तहत हमारा भी कोशिश रहेगा मोदियों का जो खिलाफ एक प्रभावी रूप से कार्रवाई करे ताकि क्षेत्र में शांति बना रहे और किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि। आपको बता दें, बीजापुर छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसको लेकर सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।